हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इम्प्रूव योर नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आलू दम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आलू दम बनाना बहुत ही आसान है, इसे हम हलवाई स्टाइल में बना के दिखाएंगे। ये बिना मिक्सर का, बिना सिलबट्टा यूज किए बनाया जाएगा। इसे बैचलर भी बहुत ही आसानी से घर पे बना के और पूरी आलू दम का मजा ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आज की मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। आलू दम बनाने के लिए हमने 400 ग्राम आलू को बॉयल कर लिया है। प्रेशर कुकर में हम एक सीटी में बॉयल किए हैं। इसका छिलका हम हटा लिए हैं। आलू की साइज हमें छोटी छोटी ही लेनी है, तभी ये रेसिपी बहुत मज़ेदार बनती है। तो चलिए हम सबसे पहले गैस की तरफ चलते हैं। गैस पे हमने 4 बड़ा चम्मच तेल ले लिया है। यहाँ पे हम सरसों के तेल में ये रेसिपी बनाएंगे। इससे आलू दम बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सबसे पहले हम गैस को ऑन कर लेंगे। गैस तेज रख के हम तेल को गरम करेंगे, यानी कि तेल से धुआं निकलना चाहिए तब तक हम इसे गरम करेंगे। आप कभी भी सरसों का तेल यूज करें तो पहले हाई फ्लेम पे तेल को गरम करें, यानी कि उससे धुआं निकल जाए, फिर हम फ्लेम को स्लो करके और बाद में जो भी फ्राई करना है फ्राई करेंगे। तेज फ्लेम पे हम तेल को पूरा गर्म किए हैं। आप देख सकते हैं इसमें से धुआं निकलना शुरू हो गया है। तो हमें ऐसे ही गर्म तेल चाहिए। फिर हम गैस को मीडियम कर लेंगे और उसमें आलू को फ्राई करेंगे। क्योंकि सरसों का तेल जब गर्म हो जाता है, उसमें से धुआं निकल जाता है, उस तेल में बनी हुई रेसिपी बड़ी ही टेस्टी होती है। तो आप देख सकते हैं फिर से धुआं निकल रहा है। हमने गैस को स्लो कर लिया। तेल को हम मीडियम कर लेंगे, फिर उसमें एक एक आलू छोड़ेंगे। तो ऐसे हम स्टीम किया हुआ आलू छोड़ देंगे। हमने सभी आलू डाल दिए हैं। बीच वाले आलू को हम ऐसे उलटते जाएंगे। हमें एकदम अच्छे से फ्राई करना है आलू को, ताकि आलू दम बहुत टेस्टी लगता है। ऐसे हम घुमा घुमा के चारों तरफ से ब्राउन कर लेंगे। तो आप देख लीजिए, हमने आलू को घुमा घुमा के चारों तरफ से भून लिया है, यानी कि फ्राई किया है। सब पे हल्के हल्के ब्राउन कलर्स आने लगे हैं। तो थोड़ा सा हम और फ्राई कर लेंगे, तभी आलू खाने में मजा आता है। आलू अच्छे तरह से फ्राई हो चुका है। हमने इसे घुमा घुमा के चारों तरफ से फ्राई कर लिया है। अब हम चम्मच की मदद से इसे टेढ़ा करते हुए चार चार आलू एक बॉल में निकाल लेंगे। हमने सभी आलू को अलग बॉल में निकाल लिया है। अब ये जो तेल बचा है, इसी में हम ग्रेवी तैयार करेंगे। अब हम इसी तेल में ये तड़का डालेंगे। तो यहाँ पे हम लिए हैं 2 दालचीनी स्टिक, 1 चम्मच जीरा, 2 बड़ी वाली इलायची, 5-6 लौंग, 1 छोटी वाली इलायची। अगर आपका तेल ज़्यादा बचता है तो आप एक्स्ट्रा तेल निकाल दीजिए। हमने जरूरत के अनुसार ही लिया था, तो हम इसी तेल में तड़के डाल रहे हैं। तड़का तड़क चुका है। अब यहाँ पे हम 2 मीडियम साइज प्याज को ग्रेट कर लिए हैं। ग्रेट किया हुआ प्याज दम आलू में बहुत ही स्वाद बढ़ाता है। पेस्ट बनाते हैं तो फ्राई करने में दिक्कत आता है, पर ये वाला जो प्याज है अच्छे से ग्रेवी में अब्जॉर्ब करता है। तो ये हम तेल में छोड़ देंगे। प्याज को हम कुछ सेकंड के लिए
तेल में अच्छे से पकाएंगे, इसका कच्चापन दूर होने तक। तो आप देख सकते हैं ग्रेट किया हुआ प्याज भुनने के बाद कैसा दिख रहा है। ये अपना प्याज भुन चुका है। अब हम इसमें डालेंगे 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन, जिसे हमने दरदरा कूट लिया है। तो ये रेसिपी में खासियत है कि हम मिक्सर ग्राइंडर यूज नहीं करेंगे, ना सिलबट्टा, हम इसे ऐसे ही बनाएंगे। तो ये रेसिपी बैचलर भी बहुत आसानी से अपने घर पे बना के दमालू का मजा ले सकते हैं। अब हम अदरक लहसुन को भी प्याज के साथ 2 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं प्याज के साथ हमने अदरक लहसुन को अच्छे से भून लिया है। अब हम इस स्टेज पे डालेंगे टमाटर, जिसे हमने ग्रेटर से ग्रेट कर लिया है। तो ये 2 बड़ा टमाटर हमने ग्रेट कर लिया है। इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से तैयार होती है। तो हम इसे 2 से 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। चलाते हुए हम भूनेंगे, लगने में ही देना है। आप देख सकते हैं टमाटर भून चुका है हल्का सा, यानी कि इसकी कच्चापन गई है। अब हम इसमें मसाला ऐड करेंगे। तो हम सबसे पहले इसमें 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे। हमें इसे स्पाइसी बनाना है तो हम 2 चम्मच भर भर के लाल मिर्च डालेंगे। ये कश्मीरी लाल मिर्च है, ये बिल्कुल तीखा नहीं होता है, पर इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। 1 बड़ा चम्मच हम धनिया पाउडर डालेंगे। 1/2 चम्मच हम जीरा पाउडर डालेंगे। अब हम टमाटर के साथ इन मसालों को 2 मिनट तक भून लेंगे। आप देख सकते हैं मिर्च डालने के बाद कितना बढ़िया कलर आया है अपनी ग्रेवी का। तो बस इसे हमें अच्छे से भूनना है। हम जितना अच्छा से मसाला भूनेंगे, आलू दम की ग्रेवी उतनी ही बढ़िया तैयार होगी। आप देख सकते हैं हमने मसालों को टमाटर प्याज लहसुन अदरक के साथ कितना अच्छे से भून लिया है। अब हम नमक डाल के फिर भूनेंगे। तो यहाँ हम स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डालने से जो टमाटर और प्याज है वो और भी अच्छे से गल जाएगा। तो हम नमक डाल के इसे 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनेंगे। अब हम चम्मच की स्पीड बढ़ा लेंगे, क्योंकि ये ड्राई हो गया है तो तेंदी में लग सकता है। आप देख सकते हैं मसाला अपना अच्छे से भून चुका है, तले में तेल छोड़ने लगा है। तो बस आप अच्छे से भून लीजिए। ये भी मेन स्टेप है आलू दम बनाने का। जितना मसाला अच्छे से भुनेगा उतना ही स्वाद आएगा सब्जी में। बस ये अपना मसाला भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने 4 यहाँ डाला है, बीच से काट दिया है उसके मुंह को। इससे इसमें मिर्च की भी स्वाद बढ़ जाती है और दम की भी स्वाद बढ़ जाती है। इसमें भुना हुआ मिर्च आप खाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। अब हम यहाँ अपनी ग्रेवी में पानी डालेंगे। तो हमें कितनी ग्रेवी चाहिए उस अनुसार हम पानी डालेंगे। हम तो यहाँ भी 1 गिलास पानी डाले हैं। पानी को हम मसाले के साथ अच्छे से घोल लेंगे। अब जो स्टेप है अपना आलू डालने का, उसे हम आपको बता रहे हैं। तो ये रहा अपना फ्राई किया हुआ आलू। और अब हमें यहाँ पे लेंगे एक फोक। फोक से हम आलू को ऐसे पीक करेंगे। इससे क्या होगा, ये ग्रेवी जो हमने बनाया है वो आलू के अंदर तक जाएगा, तो अंदर से ये अपनी आलू फीकी नहीं लगेगी और बहुत ही ये आलू टेस्टी लगेगा। तो हम एक एक आलू को गोद के और ग्रेवी में छोड़ते जाएंगे।
एकदम पास पास हम फूंक से गो देंगे, इससे क्या होगा, अच्छे से रस में जाने के बाद ऑब्जर्व करेगा रस को। तो ऐसे हम सभी आलू को डाल देंगे। हमने सभी आलू को ग्रेवी में डाल दिया है। तो जैसा कि हमने आलू को बताया था, उस टाइम आपको बोला था कि आलू को हम 80% ही कुक करते हैं और 20% हम फ्राई करके और ग्रेवी में डालने के बाद पकाते हैं। तो अब हम कवर करके इसे और 5 मिनट तक ग्रेवी के साथ पकने के लिए छोड़ देंगे, फिर चेक करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम अपना आलू दम चेक कर लेते हैं। तो हम कवर को हटा लेंगे। अरे वाह, आप ध्यान से देखिए कितनी बढ़िया कलर आई है। तो एक बार हम इसे धीरे से ऐसे चला लेंगे। बहुत ही सुंदर ग्रेवी तैयार हुई है। अब इस स्टेज पे हम डालेंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी और पेस्ट कटा हुआ धनिया पत्ता। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो हमें ये सब सारे इंग्रेडिएंट्स को डालने के बाद आलू को पकाना नहीं है, केवल हम कवर करके इसे और 5 मिनट तक छोड़ देंगे, फिर आपको सर्व करके दिखाएंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, चलिए हम फटाफट सब्जी सर्व कर लेते हैं। तो हम ढक्कन को हटा के सब्जी सर्व कर लेते हैं। आप एक बार ध्यान से देखिए इसकी ग्रेवी कितनी बढ़िया तैयार हुई है। ऐसी ग्रेवी देख के ही खाने को मन करने लगता है। ये ग्रेवी पूरी, पराठे, चपाती के साथ खाया जाता है। प्लेन चावल के साथ भी ये ग्रेवी बहुत ही टेस्टी लगती है। दम आलू बनकर तैयार है। आपने देख लिया इसे बनाना कितना आसान है। ये खाने में बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप कोई भी छोटी मोटी पार्टी हो तो घर पे आसानी से बना सकते हैं। इसे बच्चे बड़े सभी पसंद करेंगे। और एक बार आपको कोई कहेगा कि अरे वाह, ये सब्जी का स्वाद कितना बढ़िया है, तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को आप भी जरूर ट्राई कीजिए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।